संभल के बैजोई मुख्यालय पर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। 15 जनवरी तक सभी तरह की रैली, रोड शो, जनसभा पर रोक है। केवल वर्चुअल रैली कर सकते हैं। 15 जनवरी के बाद आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पालन किया जाएगा। प्रत्याशी 5 लोगों के साथ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं होंगे। विधान में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले ही कर्मचारी चुनाव कराएंगे। जिलाधिकारी ने राशन वितरण के थैलों पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की फोटो होने पर कहा कि फोटो को हटा दिया जाएगा और राशन निरंतर वितरित किया जाएगा। मतदाता फेस मास्क पहनकर ही मतदान करेंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का जनपद में सख्ती से पालन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि कल चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई और चुनाव की उद्घोषणा भी कर दी गई। संभल जनपद में चारों विधानसभा पर चुनाव जो है द्वितीय चरण में होंगे, जो कि जो पोलिंग डेट है वो 14 फरवरी होगा। और इस संबंध में कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश ये हैं कि कोई भी फिजिकल रैली पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 15 जनवरी तक अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई मीटिंग है नहीं अलाउ किया गया है 15 जनवरी तक। कोई रोड शो, पदयात्रा इत्यादि ये सब जो 15 जनवरी तक मना है, और उसके बाद आयोग इस चीज़ को डिसाइड करेगा कोविड को देखते हुए कि नया जो गाइडलाइंस है वो क्या होगा। कितने मतदान केंद्र बनाए गए, कितने बूथ बनाए गए? यहाँ कुल जो है 903 मतदान केंद्र है और 1810 बूथ है। 4 विधानसभा और 1 विधानसभा जो बिलारी है उसका आंशिक 66 बूथ है। अच्छा, जैसा कि जो रसद विभाग द्वारा खाद्यान्न बांटा जा रहा है उस पर जो फोटो छपे हुए बांटे जा रहे हैं, क्या वो बढ़ते रहेंगे या रोक लगेगी? नहीं, जिन पर फोटो है वो फोटो सब हटाए जाएंगे। वो ऐसे फोटो कोई भी नहीं बांटे जाएंगे। जिस पर थैले जिस पर फोटो है वो ऐसा नहीं बटेगा और बाकी राशन जो है वो बढ़ते रहेंगे। कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या विशेष निर्देश? कोरोना गाइडलाइंस को लेकर विशेष यह है कि जितने भी मतदान कर्मी हैं वो डबली वैक्सीनेटेड रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। इसके अलावा रैलियों इत्यादि में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन होगा। और जो रैली का आयोजन करेंगे उन रैलियों में वो जो नियम है उस नियम के हिसाब से फेस मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था कराएंगे। अगर कहीं पर कोई चूक होती है तो उनको रैली का आयोजन करने से उनको आगे रोक दिया जाएगा।